गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग आए थे आज यहाँ पर सी लेक में। दिस इज द सी लेक गाइस, लुक एट दिस एंड देयर इज माय सिस्टर। सो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा घूमेंगे। गाइस लुक एट माय सिस्टर, मैं यहाँ इतनी देर से खड़े होकर के उसको बोल रही हूँ चलो अंदर चलते हैं सी लेक देखते हैं, बट वो इतना फोन में बिजी था कि मेरी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर कर रहा था। तो उसके बाद में मैंने फिर उसको बोला तो उसने मुझे बोला मैं यहाँ रिसेंटली आ चुकी हूँ तो मुझे यहाँ पर जगह नहीं देखना, तो आप मुझे कहीं और ले चलो। फिर हम वहाँ से निकल गए, फिर हम वहाँ से निकल कर गए सिखे लेक जो कि और एक आर्टिफिशियल लेक है जीरो में। फिर हम वहाँ आए थे। वहाँ आने के बाद हमने सबसे पहले जो किया, जो कि आप भी कर सकते हो यहाँ पे एक्साइटिंग वाला चीज में हमने किया, वो है फिश फीडिंग। फिश फीडिंग करते करते मुझे ऐसा लगा कि मैं मछलियों को पकड़ लूँ, क्योंकि ये मछली इतने पास आ जाते हैं आपके, आपको लगता है कि आप इजीली इसको कैच कर लोगे। बट मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया इसको पकड़ना, तो दूर आप इसको छू भी नहीं पा रहे थे। पका रहे, देखो तेरे मछली को पका रहा है, मछली को पका रहा है काले पो। सो गाइस मैंने बहुत ट्राई किया एंड फाइनली आई गिव अप, क्योंकि बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहा था, इवन मैं उसको छू भी नहीं पा रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया। सो क्या हुआ कि लोग मुझे देख करके, वो लोग भी ट्राई कर रहे थे पर किसी ने नहीं पकड़ पाया। सो गाइस इनसे मिली, ये है मेरे कलीग का फ्रेंड। सो ये लोग भी यहाँ पर आए थे, हम तो पहले से यहाँ पर थे, फिर हमने देखा कि ऑल ऑफ सडन वो लोग भी वहाँ से आ रहे थे। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग साथ में चिल आउट करें। तो फिर ये लोग लेकर आए थे कुकुम्बर, और ये कुकुम्बर जीरो का 100% ऑर्गेनिक कुकुम्बर है, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी चीज़ लाइक कुछ भी चीज़ जो उगता है ना, लाइक होम ग्रोन या खुद का जो उगाया वाला चीज़, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सो मैंने कुकुम्बर खाते खाते व्यू इन्जॉय किया। पकड़ो 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 कोई नहीं कोई नहीं, ध्यान से ध्यान से। सो गाइस हम लोग पूरा दिन सीखे लेक पे चिल आउट करने के बाद में हम लोग जब शाम को यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक छोटे, दो छोटे बच्चे और एक बड़ी दीदी, वो लोग मिलकर यहाँ पर छोटे से स्ट्रीम में फिशिंग कर रहे थे। तो उन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये बच्चे भी वहाँ पर फिश फीडिंग कर रहे थे, तो उनको भी बड़ा मन हो रहा था कि फिश पकड़ूँ। तो जाते जाते उनको यहाँ स्ट्रीम में छोटे छोटे फिश दिखा, तो वो लोग भी यहाँ पर वो फिशिंग एक्सपीरियंस ले रहा था। तो मुझे ये देख के बहुत ही मज़ा लगा, और मुझे ये बहुत अच्छा भी लगा कि छोटे बच्चों को राइट, दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरीज, वो छोटे बच्चों को इतनी अच्छी मेमोरी दे रहे थे। सो गाइस सीखे लेक के बाद हम आए हैं अभी हमारे यहाँ एक फ्रेंड के घर, और यहाँ आने के बाद में हमको पता चला है कि गार्डन पे बहुत सारी मकाई है। सो हम चले गए सीधे गार्डन मकाई ढोने के लिए। बाहर आए तो थोड़ा अंधेरा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपना फ्लैश लाइट चलाया और हम शुरू हो गए मकाई ढोने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, मकाई को हम अबतनी लोग बोलते हैं तनी, हमारे भाषा में इसको हम लोग तनी बोलते हैं, और आप भी बताइए कि आप लोग इसको क्या बोलते हो। और यहाँ पर देखिए कितना सारा मकाई है और इतना फ्रेश है ना गाइस, ओह माय गॉड। और हम लोग इसको अच्छी तरह से देख देख के तोड़ रहे थे, जो रेडी है उसी को ही हमने तोड़ा। एंड लुक एट दिस गाइस, इतना फ्रेश है ये। चलो अभी इसको ज्यादा, ये तो अखा होने वाला है, विजन के लिए रख सकते हैं। ये ना एकदम मतलब सही समय में आया, हां वो अभी अच्छे से ऐसा सही से ज्यादा थोड़ा होने से डरू होगा, और इससे कम होने आने से खाने नहीं सकेगा। एंड गाइस लुक एट दिस, ये मेरा मकाई कुक हो रहा है, और इसके बाद मैंने इसको खाया। ओह माय गॉड, इट वाज सो टेस्टी, बहुत ही अच्छा था। अभी के समय परफेक्ट टाइम है इसको खाने का, सो बहुत ही टेस्टी था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।